सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और ये रहा वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और ये रहा किशनगंज। ठीक, ये गंगा रिवर है, गंगा रिवर। अब हम लोग चलते हैं महानंदा गुफा। ठीक है, तो जितनी भी सारी नदियां हैं, है ना, अपने बिहार के ऊपर तराई और तराई के ऊपर महाभारत श्रेणी, फिर शिवालिक श्रेणी, है ना, तो यहाँ से सारी की सारी नदियों का उद्गम होता है। काठमांडू का पुरसन महाभारत श्रेणी सब वहीं में पड़ जाते हैं। देखते हैं सबसे पहले महानंदा गुफा, और ये सब कुछ सहायक नदियाँ हैं, ये सब सारी की सहायक नदियाँ हैं। ये सब तो हम लोग एक एक नदी के बारे में जानेंगे और उस नदी से जुड़ी हुई जितने भी सारे फैक्ट हैं वो सारे के सारे फैक्ट को हम लोग जानेंगे, जिससे पेपर के अंदर एक भी प्रॉब्लम ना आए नदी से संबंधित। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं महानंदा की। महानंदा नंबर पॉइंट वन ये याद रखें जो उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी है। नंबर टू से बात कि ये वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग है, वहाँ पागल घोड़ा, जलप्रपात, महाभारत श्रेणी, महाली राम पहाड़ी और गर्सियांग के 6 किलोमीटर उत्तर में यहाँ से निकलता है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो 2062 मीटर की ऊंचाई पे निकलती है। सिलीगुड़ी पास से सबसे पहले मैदान में आती है और वहाँ पे इनको त्रिनई, रोनोचोड़ी, चकोर और गांव ये नदियाँ वहाँ पे इनको मिल जाती है। अब ये नदियाँ जब बंगाल से निकलती है दार्जिलिंग से, तो दार्जिलिंग से निकलने के बाद ये बिहार में एंट्री मारी, बिहार के बाद फिर से बंगाल में गई और फाइनली बांग्लादेश। तो यहाँ बांग्लादेश का एक जगह है जिसका नाम है टेटुलिया। तो टेटुलिया में ये बांग्लादेश से 3 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके वापस आ, और वापस आने के बाद भारत में ये उत्तर दिनाजपुर, कोलकाता, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और यह मालदा, इन सबों में 376 किलोमीटर जो इसकी टोटल लंबाई है, आपको कहीं कहीं 360 किलोमीटर भी दिखेगा। ठीक, पर आप एक्सैक्ट इसको मानिएगा 376 किलोमीटर को। तो ये जो लंबाई है इसमें से वो 324 किलोमीटर भारत में चल के बहती है और बाकी के जो 36 किलोमीटर होते हैं, 36 किलोमीटर इसके अकॉर्डिंग आएगा, ये बांग्लादेश की यात्रा पूरी करती है। ठीक है, अब ये कुछ जिलों से भी गुजरती, तो उन जिलों के बारे में जान लेते हैं। जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मालदा, सिलीगुड़ी, अंग्रेजी बाजार, गोदागिरी और पंचगढ़। पंचगढ़ टिटुलिया के पास एक बड़ा सा जगह है ना, और वहीं पे टिटुलिया पर ये दोनों जगह याद रखिएगा बांग्लादेश। और यहाँ तो इन टोटली डिस्ट्रिक्ट से महानंदा रिवर क्रॉस करती है ना, और इनकी जो सहायक नदियाँ जो जो इनमें आके मिल रही है वह है परमान, बाकरा, टैंगोर, नागर, मेची, कनकाई, बालसोन और ये कालिंद्री, बूढ़ी गांगी, दानके, रितानु, भंगा, रत्ना, चकोर एवं डाफ, ये दोनों एक साथ आगे चलते मिल जाते। पुल है, पुलिक, ये सारी की सारी नदियाँ आपको क्या कहलाती है, महानंदा की सहायक नदियाँ। ये महानंदा वन्यजीव अभयारण्य से बहती है, इन बात को ध्यान रखें। दूसरी नंबर बात मेची, मेची को ध्यान रखना आपको, माँ भारत रंज और सिंधुलिया गढ़ी, सिंधुलिया गढ़ी, और ये ऊंचाई कितना है, 2423 मीटर की ऊंचाई से ये निकल के आती है, भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर बनाती है। किशनगंज में जाके महानंदा से ये मिल जाती है। तो ये मेची उसकी मेची क्या है, महानंदा की सहायक रिवर होगी। इसकी टोटल लंबाई 80 किलोमीटर है और एक बात और ध्यान रखें, जो NH-327B है, तो NH-327B की ये 1500 मीटर लंबाई का एक पुल जो कि 6 लेन का होगा, तो ये बनाया, इसको मंजूरी दे दी गई है ना, ये बनाया जाएगा, ये बात ध्यान रखी गई यहाँ पर। अब एक जो नेक्स्ट बात है आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जब महानंदा जो NH-31
यहाँ NH-31 को ये बागझोर जगह के पास वो पार्क करते हुए और पार्क करने हुए करते हुए एक जो कनकई संगम है वो भी कनकई संगम पूरा हो जाता है, मतलब कनकई नदी मिल जाती है, कनकई नदी यहाँ पे आती है यहाँ पे। तो ये कनकई नदी का संगम पूरा करते हुए ये जो NH-31 है वहाँ एक जगह है जिसका नाम है बागझोर। ये बागझोर जगह से पास करती है और ये बागझोर जगह से पास करने के बाद ये एक जगह जिसका नाम है बागडोग, तो ये बागडोग में पहुंचती है। ठीक है, अभी बागडोग में पहुंचने पर होता क्या है, ये महानंदा दो दो धारा में बढ़ जाती है, एक जो कि दक्षिण की ओर चली जाती है जिसका नाम है झोगा सा, जो अधिकांश जल को लेकर प्रवाहित होती है। ठीक है, और इसी में इसी शाखा में दाहिने से एक रिवर जिसका नाम पनार रिवर, अभी आपने देखा ये पनार रिवर आगे मिल जाती है। ठीक, दूसरी झोगा से जो एक अन्य जो गई है वो घसिया लावा के नीचे आकर वो मिल जाती है। झोगा शाखा मालदा जो कि बंगाल में पड़ता है, मालदा में प्रवेश करती है और वहां पे सुरमारा, ये सुरमारा के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है, बागडोग पर महानंदा की दूसरी शाखा जो कि साउथ ईस्ट में बहते हुए बारसोई के पास, जगह याद रखिए बारसोई, या दो भाग में बढ़ जाती है, एक पूरब की ओर और एक पश्चिम की ओर चली जाती है। पूरब की ओर एवं पश्चिम की ओर जाने वाली सुवर्णपुर के निकट यह फिर से आके एक धारा में, एक दो धारा निकली यहां, एक तो बेचारा जो निकला वो निकला किधर की ओर, वो निकला पूरब की ओर और एक निकला पश्चिम की ओर। तो यहां से ये जो दोनों जो निकल के आया ये दोनों जगह है जिसका नाम है सुवर्ण, इस सुवर्णपुर में फिर से ये मेन धारा बन जाता है। ठीक, और फाइनली क्या होता है, जो गोदागिरी घाट है जो कि बांग्लादेश में पड़ता है वो मिल जाती है फिर से गंगा। तो एक ये बात ध्यान रखनी, एक जो नेक्स्ट बात आपको ध्यान रखनी है वो ये कि यहां पे इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया जो कि 1881 में प्रकाशित हुई थी, तो उसके मुताबिक महानंदा के जो पश्चिम का जो क्षेत्र है वो हिंदी भाषी और जबकि पूरब का जो क्षेत्र है वो बंगला भाषी है। तो महानंदा बांटने का काम करते हैं यहाँ भाषाई के आधार पर। दूसरी बात ये कि एक धार्मिक रेखा भी ये काम करती है, जो हमारे मुस्लिम भाई है वो दो तिहाई महानंदा के पूरब में और एक तिहाई से जो कम वो महानंदा के पश्चिम में उठते हैं। तो ये इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया 1881 के मुताबिक यहाँ लिखे पड़ता है। एक जो दूसरी बात है वो ये कि जब ब्रिटिश शासन अपने यहां अपना राज जमा चुके थे उसके बाद ये हुआ ये कि जेम्स रेनल ये सैनिक इंजीनियर हुआ करते थे और ये 1739 की ये घटना है। उसके बाद जब फ्रांसिस बुकानर हैमिल्टन ये 1809 और 10 की घटना है। और एक जो व्यक्ति के कौन है उनका नाम ये भी ध्यान रखेंगे, ये रॉबर्ट मॉन्टगोमरी मार्टिन 1808 और इनके साथ में जो रहे हैं W.W. हंटर 1877। इन सभी में जो महानंदा है नदी इसके प्रवाह पथ को एक्सप्लेन किया, इसलिए एक्सप्लेन किया था कि वह ये सोचा कि भाई यहाँ से इस नदी का हम इस्तेमाल करके सामान एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कुछ मुझे ले जाना वो इसलिए इनका एक्सप्लेन करा था प्रवाह पथ। ठीक है, उससे पहले इनका कोई जिक्र नहीं हुआ करता था, कुछ भी हो जाए इसका कोई कहीं बात कुछ भी बड़े बड़े नदी पे तो बात करी कर ली जाती थी पर इसका कभी कोई जिक्र नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके बाद ये ध्यान रख लीजिएगा और ये दो टर्म तो आप ध्यान रखिएगा। और ये नेक्स्ट बात कि भाई ये महानंदा जो वन्यजीव अभयारण्य है वहाँ से ये नदियाँ अपने पानी पिलाती हुई गिरती है और बस